उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने ये कहावत तो सुनी होगी। अब यही कहावत कैथल जिले की पुलिस पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि एक तो पुलिस ने 4 महीने से मिल रही गबन की शिकायत पर केस दर्ज नहीं किया, और जब सरकारी कर्मचारी वजह पूछने आए तो उन्हें ये कहकर धमका दिया कि तुम पर ही केस दर्ज करेंगे। अब आप ही बताइए कि भला ये क्या बात हुई। पूरा मामला कैथल का है, जहां गरीबों के हक का राशन खुद हड़पने वाले डिपो होल्डर पर आरोप लगे हैं कि उसने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब जनता को दिए जाने वाले राशन को हड़प लिया है। डीएफएससी ने इस मामले में पाया है कि आरोप सही है, लिहाजा पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की अपील की, मगर केस दर्ज करने की जगह पुलिस डीएफएससी कर्मचारी को ही धमकाने में लगे हैं, जिससे शक होने लगा है कि जरूर पुलिस कर्मियों ने आरोपियों से रिश्वत ली है। निवास डिफोल्डर वार्ड नंबर 19 में कार्यरत है। कई लोगों द्वारा वार्ड की इसकी शिकायत की गई थी, इसके बाद हमने अपने सब इंस्पेक्टर को जांच के लिए डिपो पर भेजा तो काफी गबन पाया गया। तो उसके बाद वार्ड के पार्षद मौजूद आदमियों को लेकर डिपो स्थल खुलवाया गया तो देखा कि वहाँ काफ़ी गड़बड़ है, जिसके उपरांत हमने वहाँ बाजरा 8 क्विंटल और 210 किलोग्राम नमक, 112 लीटर सरसों का तेल, लगभग 34 क्विंटल प्रधानमंत्री योजना PMGKY के तहत दी जाने वाली गेहूँ, 141 किलो चीनी व 34 क्विंटल रेगुलर जो गेहूँ बनती है, इसका गबन पाया गया। इस संदर्भ में सर आपने कब पुलिस को एफआईआर के लिए लिखा? सर हमने हमारे सब इंस्पेक्टर के थ्रू 23/12/21 को पुलिस को लिखा गया और 24/12/21 की रिसीविंग भी थाने की हमारे पास है। तो पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई? जी नहीं, पुलिस द्वारा काफी चक्कर लगाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके लिए दसियों पत्र थाने में लिखे गए, मैं खुद भी थाने में गया और हमारे सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस वाले ने मुझे ही धमकाया कि हम तेरे खिलाफ ही एफआईआर कर देंगे। खुद सोचिए, जब सरकारी कर्मचारी की शिकायत ही पुलिसकर्मी सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आम आदमी थाने जाने की हिम्मत भला कैसे करेगा। विभाग की जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी पुलिस केस दर्ज करने को तैयार नहीं थी। जहां तक कि मामला कैथल एसपी के संज्ञान में आने के 18 दिन बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली, जिससे कैथल पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवार खड़े हो गए हैं। हालांकि अब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो एसपी ने भी आरोप पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने और डिपो होल्डर पर भी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। मेरे ऑफिस में एक लेटर प्राप्त हुआ था डीएफएससी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने एक ओरिजिनल कंप्लेंट जो जनवरी माह में सिविल लाइन थाने में दी थी, जिसमें कि 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है बट अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई। तो जैसे ही ये पत्र 4 अप्रैल को हमारे ऑफिस में प्राप्त हुआ तो मैंने इसको डीएसपी को मार्क किया और डीएसपी के थ्रू इसकी जांच कराई, जिसमें कि ये बात निकल के आई है कि हमारे सामने ओरिजिनल कंप्लेंट भी हमने निकलवाई है जो जनवरी माह में थाने में दी गई थी। अब मैंने इसमें निर्देश दे दिए हैं कि जो जनवरी माह की ओरिजिनल कंप्लेंट थी उस पर तो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और उसके अलावा बाकी इसमें जिसकी भी लापरवाही है कि पिछले 3 महीनों से जिस भी अधिकारी ने कर्मचारी ने कोई कार्रवाई नहीं करी और ये एक एफआईआर दर्ज करने के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसको लेकर बैठे रहे, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ और जाँच के बाद में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई। डिपो होल्डर ने सरकारी राशन का दुरुपयोग करते हुए न केवल हरियाणा प्रदेश की एनएफएसए स्कीम के तहत बांटने वाला राशन हड़पा, बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण होने वाला राशन भी हड़प लिया। बता दें कि कैथल पुलिस द्वारा सरकारी कार्यालयों के पात्रों में एफआईआर दर्ज कराने का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामलों में पुलिस की किरकिरी हो चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि एसपी साहब अपने कर्मचारियों पर मामला लटकाने पर क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।